नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू। परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन, संगीत दिया है आनंद राजानंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट 5.50 करोड़। बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा राजू। परदेसी गोविंदा एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा। राजू परदेसी के रूप में, रवीना टंडन करुणा के रूप में, शिल्पा शेट्टी चिन्नी चोपड़ा के रूप में, माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक हरपाल, हैप्पी सिंह के रूप में नंदू के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संघ नेता, वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल नरिन के रूप में अरुण बख्शी, चोर के रूप में डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड पहलवान के रूप में, कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर रामजी करुणा के पिता के रूप में। गीत संगीत। परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना, और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धृत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर 1 कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राजानंद हैं। गाना नंबर 4 है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राजानंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर 5 जावे सजना महनी करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, राम किशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर 6 पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू। परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन, संगीत दिया है आनंद राजानंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट 5.50 करोड़। बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा। राजू परदेसी गोविंदा एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा। राजू परदेसी के रूप में रवीना टंडन, करुणा के रूप में शिल्पा शेट्टी, चिन्नी चोपड़ा के रूप में माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक, हरपाल, हैप्पी सिंह के रूप में नंदू के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संघ नेता वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल, नरेन के रूप में अरुण बख्शी, चोर के रूप में डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा, चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड, पहलवान के रूप में कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर, रामजी, करुणा के पिता के रूप में गीत संगीत। परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धृत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर 1 कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राजानंद हैं। गाना नंबर 4 है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राजानंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर 5 जावे सजना महनी करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, राम किशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर 6
पड़ा जीना, तेरे बिन मेरी जाने। इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू। परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन, संगीत दिया है आनंद राजानंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट 5.50 करोड़। बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा। राजू परदेसी गोविंदा एक ग्रामीण एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपये कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा। राजू परदेसी के रूप में रवीना टंडन, करुणा के रूप में शिल्पा शेट्टी, चिन्नी चोपड़ा के रूप में माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक, हरपाल, हैप्पी सिंह के रूप में नंदू, के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संघ नेता, वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल, नरेन के रूप में अरुण बख्शी, चोर के रूप में डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा, चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड, पहलवान के रूप में कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर, रामजी, करुणा के पिता के रूप में गीत संगीत। परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादी के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर 1 कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राजानंद हैं। गाना नंबर 4 है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राजानंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं।
गाना नंबर 5 जावे सजना मैंने करना तेरा एतवार। इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, राम किशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर 6 पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने। इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू। परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन, संगीत दिया है आनंद राजानंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट 5.50 करोड़। बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा। राजू परदेसी गोविंदा एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा, रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा। राजू परदेसी के रूप में रवीना टंडन, करुणा के रूप में शिल्पा शेट्टी, चिन्नी चोपड़ा के रूप में माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक, हरपाल, हैप्पी सिंह के रूप में नंदू के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संघ नेता, वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल, नरेन के रूप में अरुण बख्शी, चोर के रूप में डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा, चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड, पहलवान के रूप में कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर, रामजी, करुणा के पिता के रूप में। गीत संगीत। परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना, और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धृत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर 1 कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 क्या है प्यार बताओ ना,
इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3, यह केवल इंडिया में हो सकता है। इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद हैं। गाना नंबर 4, है नाजुक नाजुक हल्की फुल के इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर 5, जावी सजना महनी करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, रामकिशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर 6, पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू, परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन, संगीत दिया है आनंद राज आनंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 5.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा, राजू परदेसी गोविंदा एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा, रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा, राजू परदेसी के रूप में रवीना टंडन, करुणा के रूप में शिल्पा शेट्टी, चिन्नी चोपड़ा के रूप में माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक, हरपाल, हैप्पी सिंह के रूप में नंदू, के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संग नेता, वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल, नरेन के रूप में अरुण बख्शी, चोर के रूप में डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा, चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड, पहलवान के रूप में कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर, रामजी, करुणा के पिता के रूप में गीत संगीत, परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राज आनंद ने दिया था, इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की।
हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धृत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर एक कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद हैं। गाना नंबर चार है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर पाँच जावी सजना महनी करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, रामकिशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर छः पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू, परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन, संगीत दिया है आनंद राज आनंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 5.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा, राजू परदेसी गोविंदा एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा, रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा, राजू परदेसी के रूप में रवीना टंडन, करुणा के रूप में शिल्पा शेट्टी, चिन्नी चोपड़ा के रूप में माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक, हरपाल, हैप्पी सिंह के रूप में नंदू, के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संग नेता वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल, नरेन के रूप में अरुण बख्शी, चोर के रूप में डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा, चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड, पहलवान के रूप में कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर, रामजी, करुणा के पिता के रूप में
गीत संगीत। परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना, और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धृत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर एक कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद हैं। गाना नंबर चार है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर पाँच जावी सजना महीने करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, राम किशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर छः पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू, परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन, संगीत दिया है आनंद राज आनंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 5.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा, राजू परदेसी गोविंदा एक ग्रामीण, एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा राजू परदेसी के रूप में, रवीना टंडन करुणा के रूप में, शिल्पा शेट्टी चिन्नी चोपड़ा के रूप में, माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक हरपाल, हैप्पी सिंह के रूप में नंदू, के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संघ नेता, वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल, नरेन के रूप में
अरुण बख्शी चोर के रूप में, डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड पहलवान के रूप में, कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर रामजी करुणा के पिता के रूप में। गीत संगीत परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राज आनंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना, और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर एक कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद हैं। गाना नंबर चार है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर पाँच जावे सजना मैं नहीं करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, रामकिशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर छः पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू, परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद, कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता, अभिनीत गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन, संगीत दिया है आनंद राज आनंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 5.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा राजू, परदेसी गोविंदा एक ग्रामीण, एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है।
फेकना गोविंदा राजू परदेसी के रूप में, रवीना टंडन करुणा के रूप में, शिल्पा शेट्टी चिन्नी चोपड़ा के रूप में, माई मकान मालकिन के रूप में, शशिकला सतीश कौशिक, हरपाल हैप्पी सिंह के रूप में, नंदू के रूप में, आसिफ शेख कारखाने में संघ नेता, वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल ननिन के रूप में, अरुण बख्शी चोर के रूप में, डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड पहलवान के रूप में, कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर रामजी करुणा के पिता के रूप में, गीत संगीत परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राज आनंद ने दिया था, इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर एक कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद हैं। गाना नंबर चार है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर पाँच जावे सजना मैं नहीं करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, राम किशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर छः पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू, परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन, संगीत दिया है आनंद राज आनंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 5.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा राजू परदेसी, गोविंदा एक ग्रामीण एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो एक साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी एक वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि
कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा राजू परदेसी के रूप में, रवीना टंडन करुणा के रूप में, शिल्पा शेट्टी चिन्नी चोपड़ा के रूप में, माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक हरपाल हैप्पी सिंह के रूप में, नंदू के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संघ नेता वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल नरिन के रूप में, अरुण बख्शी चोर के रूप में, डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड पहलवान के रूप में, कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर रामजी करुणा के पिता के रूप में, गीत संगीत परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर एक कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद हैं। गाना नंबर चार है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर पाँच जावे सजना मैं नहीं करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण अल्ताफ रजा प्रीति उत्तम सिंह राम किशन जितेंद्र पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर छः पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू, परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत गोविंदा रवीना टंडन शिल्पा शेट्टी छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन संगीत दिया है आनंद राजानंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 5.50 करोड़। बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा राजू परदेसी गोविंदा एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर
जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो अब मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा राजू परदेसी के रूप में, रवीना टंडन करुणा के रूप में, शिल्पा शेट्टी चिन्नी चोपड़ा के रूप में, माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक हरपाल हैप्पी सिंह के रूप में, नंदू के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संघ नेता वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल नरेन के रूप में, अरुण बख्शी चोर के रूप में, डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड पहलवान के रूप में, कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर रामजी करुणा के पिता के रूप में। गीत संगीत परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना, और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादी के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर एक कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद हैं। गाना नंबर चार है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर पाँच जावे सजना मैं नहीं करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण अल्ताफ रजा प्रीति उत्तम सिंह राम किशन जितेंद्र पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर छः पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू, परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत गोविंदा रवीना टंडन शिल्पा शेट्टी छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन संगीत दिया है आनंद राजानंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत भाषा हिंदी बजट 5.50 करोड़ बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा राजू परदेसी गोविंदा एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र
करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा राजू परदेसी के रूप में, रवीना टंडन करुणा के रूप में, शिल्पा शेट्टी चिन्नी चोपड़ा के रूप में, माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक हरपाल हैप्पी सिंह के रूप में, नंदू के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संघ नेता वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल नरेन के रूप में, अरुण बख्शी चोर के रूप में, डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड पहलवान के रूप में, कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर रामजी करुणा के पिता के रूप में। गीत संगीत परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना, और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धृत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर एक कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद हैं। गाना नंबर चार है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर पाँच जावे सजना महीने करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, रामकिशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर छः पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू, परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन, संगीत दिया है आनंद राज आनंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 5.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा राजू परदेसी गोविंदा एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी
दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात करुणा रवीना टंडन से होती है, जो वहां उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी एक वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिमनी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा राजू परदेसी के रूप में, रवीना टंडन करुणा के रूप में, शिल्पा शेट्टी चिन्नी चोपड़ा के रूप में, माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक हरपाल, हैप्पी सिंह के रूप में नंदू के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संग नेता वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल नरेन के रूप में अरुण बख्शी, चोर के रूप में डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड पहलवान के रूप में कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर रामजी करुणा के पिता के रूप में। गीत संगीत परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर एक कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद हैं। गाना नंबर चार है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर पाँच जावी सजना महनी करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, राम किशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर छः पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू, परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद, कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता, अभिनीत गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन, संगीत दिया है आनंद राज आनंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 5.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा राजू परदेसी गोविंदा एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है।
उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी सिल्वर सिटी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात करुणा रवीना टंडन से होती है, जो वहां उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा राजू परदेसी के रूप में, रवीना टंडन करुणा के रूप में, शिल्पा शेट्टी चिन्नी चोपड़ा के रूप में, माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक हरपाल हैप्पी सिंह के रूप में, नंदू के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संग नेता वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल नरेन के रूप में, अरुण बख्शी चोर के रूप में, डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड पहलवान के रूप में, कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर रामजी करुणा के पिता के रूप में। गीत संगीत परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धृत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर 1 कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद हैं। गाना नंबर 4 है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर 5 जावी सजना महनी करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण अल्ताफ रजा प्रीति उत्तम सिंह रामकिशन जितेंद्र पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर 6 पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू, परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत गोविंदा रवीना टंडन शिल्पा शेट्टी छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन संगीत दिया है आनंद राज आनंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स
रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 5.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा, राजू परदेसी गोविंदा एक ग्रामीण, एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी सिल्वर सिटी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपये कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है जहाँ उसकी मुलाकात करुणा रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा, राजू परदेसी के रूप में, रवीना टंडन करुणा के रूप में, शिल्पा शेट्टी चिन्नी चोपड़ा के रूप में, माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक हरपाल हैप्पी सिंह के रूप में, नंदू के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संघ नेता वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल नरेन के रूप में, अरुण बख्शी चोर के रूप में, डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड पहलवान के रूप में, कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर रामजी करुणा के पिता के रूप में। गीत संगीत, परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना, और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धृत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर 1 कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद हैं। गाना नंबर 4 है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर 5 जावे सजना महनी करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, राम किशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर 6 पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू, परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक
मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित, आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित, कुलभूषण गुप्ता अभिनीत, गोविंदा रवीना टंडन शिल्पा शेट्टी छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित, आर राजेंद्रन संगीत दिया है आनंद राजानंद द्वारा वितरित, केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 5.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा, राजू परदेसी गोविंदा एक ग्रामीण, एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात करुणा रवीना टंडन से होती है जो वहां उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा राजू परदेसी के रूप में, रवीना टंडन करुणा के रूप में, शिल्पा शेट्टी चिन्नी चोपड़ा के रूप में, माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक हरपाल हैप्पी सिंह के रूप में, नंदू के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संघ नेता, वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल ननिन के रूप में, अरुण बख्शी चोर के रूप में, डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड पहलवान के रूप में, कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर रामजी करुणा के पिता के रूप में। गीत संगीत, परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धृत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर 1 कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राजानंद हैं। गाना नंबर 4 है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राजानंद अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर 5 जावे सजना महनी करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण अल्ताफ रजा प्रीति उत्तम सिंह राम किशन जितेंद्र पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर 6 पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से
देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू, परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित, आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित, कुलभूषण गुप्ता अभिनीत, गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित, आर राजेंद्रन संगीत दिया है, आनंद राजानंद द्वारा वितरित, केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 5.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा, राजू परदेसी गोविंदा एक ग्रामीण, एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपये कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा, राजू परदेसी के रूप में, रवीना टंडन करुणा के रूप में, शिल्पा शेट्टी चिन्नी चोपड़ा के रूप में, माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक हरपाल, हैप्पी सिंह के रूप में नंदू के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संघ नेता वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल नरेन के रूप में अरुण बख्शी, चोर के रूप में डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड पहलवान के रूप में, कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर रामजी करुणा के पिता के रूप में। गीत संगीत, परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर 1 कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राजानंद हैं। गाना नंबर 4 है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राजानंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर 5 जाओ सजना मैं नहीं करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, राम किशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर 6 पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में
कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू, परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन, संगीत दिया है आनंद राजानंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 5.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा। राजू परदेसी गोविंदा एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपये कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा, राजू परदेसी के रूप में रवीना टंडन, करुणा के रूप में शिल्पा शेट्टी, चिन्नी चोपड़ा के रूप में माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक, हरपाल, हैप्पी सिंह के रूप में नंदू, के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संघ नेता, वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल, नरेन के रूप में अरुण बख्शी, चोर के रूप में डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा, चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड, पहलवान के रूप में कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर, रामजी, करुणा के पिता के रूप में गीत संगीत। परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादी के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर 1 कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद हैं। गाना नंबर 4 है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर 5 जावे सजना महनी करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, राम किशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर 6 पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू। परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन, संगीत दिया है आनंद राजानंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट 5.50 करोड़। बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा। राजू परदेसी। गोविंदा एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपये कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जिस सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा। राजू परदेसी के रूप में रवीना टंडन, करुणा के रूप में शिल्पा शेट्टी, चिन्नी चोपड़ा के रूप में माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक, हरपाल, हैप्पी सिंह के रूप में नंदू के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संघ नेता वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल, नरेन के रूप में अरुण बख्शी, चोर के रूप में डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा, चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड, पहलवान के रूप में कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर, रामजी, करुणा के पिता के रूप में गीत संगीत। परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धृत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादी के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर 1 कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राजानंद हैं। गाना नंबर 4 है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राजानंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर 5 जावे सजना महीने करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, रामकिशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर 6 पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू। परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन, संगीत दिया है आनंद राजानंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट 5.50 करोड़। बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा। राजू परदेसी गोविंदा एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा। राजू परदेसी के रूप में रवीना टंडन, करुणा के रूप में शिल्पा शेट्टी, चिन्नी चोपड़ा के रूप में माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक, हरपाल, हैप्पी सिंह के रूप में नंदू, के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संग नेता, वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल, नरेन के रूप में अरुण बख्शी, चोर के रूप में डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा, चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड, पहलवान के रूप में कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर, रामजी, करुणा के पिता के रूप में गीत संगीत। परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धृत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर 1 कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राजानंद हैं। गाना नंबर 4 है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राजानंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर 5 जावी सजना महनी करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, राम किशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर 6
पड़ा जीना, तेरे बिन मेरी जाने। इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू, परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन, संगीत दिया है आनंद राजानंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 5.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा, राजू परदेसी गोविंदा एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा, रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा, राजू परदेसी के रूप में रवीना टंडन, करुणा के रूप में शिल्पा शेट्टी, चिन्नी चोपड़ा के रूप में माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक, हरपाल, हैप्पी सिंह के रूप में नंदू, के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संग नेता वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल, नरेन के रूप में अरुण बख्शी, चोर के रूप में डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा, चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड, पहलवान के रूप में कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर, रामजी, करुणा के पिता के रूप में गीत संगीत, परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था, इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धृत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर 1 कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राजानंद हैं। गाना नंबर 4 है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राजानंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं।
गाना नंबर 5 जावी सजना महनी करना तेरा एतवार। इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, रामकिशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर 6 पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने। इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू। परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन, संगीत दिया है आनंद राजानंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट 5.50 करोड़। बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा। राजू परदेसी गोविंदा एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा, रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा। राजू परदेसी के रूप में रवीना टंडन, करुणा के रूप में शिल्पा शेट्टी, चिन्नी चोपड़ा के रूप में माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक, हरपाल, हैप्पी सिंह के रूप में नंदू, के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संघ नेता, वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल, नरेन के रूप में अरुण बख्शी, चोर के रूप में डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा, चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड, पहलवान के रूप में कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर, रामजी, करुणा के पिता के रूप में गीत संगीत। परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धृत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर 1 कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 क्या है प्यार बताओ ना,
इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3, यह केवल इंडिया में हो सकता है। इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद हैं। गाना नंबर 4, है नाजुक नाजुक हल्की फुल के इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर 5, जावे सजना महनी करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, रामकिशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर 6, पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू, परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित, आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित, कुलभूषण गुप्ता अभिनीत, गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी छायांकन, राजन किनागी द्वारा संपादित, आर राजेंद्रन संगीत दिया है, आनंद राज आनंद द्वारा वितरित, केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 5.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा, राजू परदेसी गोविंदा एक ग्रामीण, एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा, रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा, राजू परदेसी के रूप में, रवीना टंडन करुणा के रूप में, शिल्पा शेट्टी चिन्नी चोपड़ा के रूप में, माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक हरपाल, हैप्पी सिंह के रूप में, नंदू के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संघ नेता, वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल, नरिन के रूप में अरुण बख्शी, चोर के रूप में, डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड पहलवान के रूप में, कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर, रामजी करुणा के पिता के रूप में। गीत संगीत, परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राज आनंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना, और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की।
हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर एक कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद हैं। गाना नंबर चार है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर पाँच जावे सजना महनी करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, रामकिशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर छः पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू, परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद, कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत, गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन, संगीत दिया है आनंद राज आनंद द्वारा वितरित केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 5.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा राजू, परदेसी गोविंदा एक ग्रामीण, एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी, शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा, रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा, राजू परदेसी के रूप में, रवीना टंडन करुणा के रूप में, शिल्पा शेट्टी चिन्नी चोपड़ा के रूप में, माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक, हरपाल, हैप्पी सिंह के रूप में, नंदू के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संघ नेता, वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल, नरेन के रूप में अरुण बख्शी, चोर के रूप में, डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड पहलवान के रूप में, कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर, रामजी करुणा के पिता के रूप में,
गीत संगीत। परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना, और कुछ खोना है कुछ पाना है, जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर एक कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राजानंद हैं। गाना नंबर चार है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राजानंद, अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर पाँच जावे सजना मैं नहीं करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण, अल्ताफ रजा, प्रीति उत्तम सिंह, राम किशन, जितेंद्र, पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर छः पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको परदेसी बाबू मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। परदेसी बाबू, परदेसी बाबू मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया है। निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश के अर्जुन संवाद कहानी द्वारा सतीश जैन द्वारा निर्मित कुलभूषण गुप्ता अभिनीत गोविंदा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित आर राजेंद्रन, संगीत दिया है आनंद राजानंद द्वारा, वितरित केवी पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 5.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 9.44 करोड़। कहानी की समीक्षा, राजू परदेसी गोविंदा एक ग्रामीण, एक गरीब ग्रामीण बेहतर जीवन के लिए मुंबई में स्थानांतरित हो जाता है। उसे एक अमीर आदमी की बेटी चिन्नी शिल्पा शेट्टी से प्यार हो जाता है। चिन्नी के पिता उनके प्यार का विरोध करते हैं और राजू को चुनौती देते हैं कि अगर वह चिन्नी से शादी करना चाहता है तो 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए कमा लें। परदेसी दार्जिलिंग के चाय बागान में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात करुणा, रवीना टंडन से होती है, जो वहाँ उनकी नौकरानी के रूप में है। परदेसी और करुणा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच चाय का व्यवसाय बढ़ता है और परदेसी 1 वर्ष के भीतर आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे लौटने का समय निकट आता है, करुणा को पता चलता है कि परदेसी चिन्नी से प्यार करता है और बहुत दुखी हो जाता है। परदेसी उसे सच बताने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सूटकेस मिला था वह करुणा के पिता का था, जो मानसिक आघात से पीड़ित है। परदेसी को लगता है कि यह उसकी गलती है और उसने करुणा से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी के दिन चिन्नी वहां आती है और देखती है कि परदेसी करुणा से शादी कर रहा है। वह पूरी कहानी जानती है और वापस लौटने का फैसला करती है। करुणा भी पूरी कहानी समझती है और अंत में तय करती है कि परदेसी की सच्ची दुल्हन चिन्नी है। कहानी परदेसी और चिन्नी की शादी के साथ समाप्त होती है। फेकना गोविंदा, राजू परदेसी के रूप में, रवीना टंडन करुणा के रूप में, शिल्पा शेट्टी चिन्नी चोपड़ा के रूप में, माई मकान मालकिन के रूप में शशिकला, सतीश कौशिक हरपाल, हैप्पी सिंह के रूप में, नंदू के रूप में आसिफ शेख, कारखाने में संघ नेता, वैज्ञानिक के रूप में वीरेंद्र सक्सेना, मोहनीश बहल, नरेन के रूप में
अरुण बख्शी चोर के रूप में, डॉक्टर के रूप में अवतार गिल, श्री चोपड़ा चिन्नी के पिता के रूप में राजीव वर्मा, गेविन पैकर्ड पहलवान के रूप में, कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी सुरेश चटवाल, दीपक काजिर रामजी करुणा के पिता के रूप में, गीत संगीत परदेसी बाबू के सभी गानों का संगीत आनंद राजानंद ने दिया था, इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब ये सजना मैं नहीं करना और कुछ खोना है कुछ पाना है जैसे ट्रैक ने बहुत लोकप्रिय हासिल की। हालांकि फिल्म के सभी ट्रैक लोकप्रिय थे, प्लेनेट बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकराम ने एल्बम के बारे में उद्धत किया, परदेसी बाबू को कुछ सुने, यह एक ऐसा एल्बम है जो वादे के अनुसार सीधे दिल से जाता है। गाना नंबर एक कुछ खोना है कुछ पाना है, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो क्या है प्यार बताओ ना, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन यह केवल इंडिया में हो सकता है, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद हैं। गाना नंबर चार है नाजुक नाजुक हल्की फुल के, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद अलका याग्निक और आदित्य नारायण हैं। गाना नंबर पाँच जावे सजना मैं नहीं करना तेरा एतवार, इस गाने के गायकार उदित नारायण अल्ताफ रजा प्रीति उत्तम सिंह राम किशन जितेंद्र पूनम भाटिया और भवदीप जयपुर वाले। गाना नंबर छः पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जाने, इस गाने के गायकार उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति सीमा और अनिल सहगल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।